नमस्कार दोस्तों, फिर आज हूँ नई जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वो पास हो सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, बस आप लोग पेशेंस रखिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते अब आपको बता देते हैं अगर आप लोग दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो कैसे आप पास हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म डाल सकते हैं, एग्जाम होगा और आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते अब आपको बता देते हैं कब से आप आवेदन कर सकते हैं सप्लीमेंट्री के लिए। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं जहाँ पे न्यूज पब्लिश किया गया है, ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। दोस्तों देखिए, न्यूज में ये जानकारी दी हुई है कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। दोस्तों, 17 मई से आवेदन शुरू हो गया है और 4 जून तक आवेदन चलेगा। देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, बता देते हैं आपका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा 3 जुलाई तथा हाई स्कूल पूरक परीक्षा 4 जुलाई से 12 जुलाई को सुबह 9 से 12 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने सारी जानकारी है, आप देख सकते हैं। 4 जुलाई से क्लास 10th का एग्जाम चालू हो जाएगा और 3 जुलाई को क्लास 12th का एग्जाम होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपके सामने सारी जानकारी है। अगर आप लोग आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 17 मई से आवेदन शुरू हो गया है, 4 जून तक आवेदन चलेगा। तो दोस्तों, जाइए फटाफट आवेदन कर दीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे। इतना टफ एग्जाम नहीं होता, आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अपने मन में ये सोचिए कि हमें पास होना है। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो अगर आपके अंदर थोड़ा वीकनेस भी रहेगा तब भी आपके अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाएगी और आप उस काम को जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होगी, जाइए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी जान सके। तो दोस्तों, आज के लिए तक, आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।